दोस्तों, मशहूर डांस कलाकार सपना चौधरी ने अपने निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज खोले हैं जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भी सपना का डांस अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ताजा और मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि जो कलाकार हमें बहुत ही ऊंचाइयों पर नजर आते हैं, उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है यह हर कोई नहीं जान पाता। ऐसा ही कुछ हुआ है कलाकार सपना चौधरी के जीवन में, जो कि उन्होंने अपनी इंटरव्यू के दौरान बताया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। सपना चौधरी का जन्म साल 1990 में हरियाणा में हुआ था और शुरुआत में उनकी बुआ ने उनका नाम सुष्मिता रख दिया था, क्योंकि वह अभिनेत्री सुष्मिता सेन की काफी बड़ी प्रशंसक थी। लेकिन सपना के माता पिता ने स्कूल में उनका नाम सपना चौधरी ही लिखवाया था, जिस कारण उन्होंने अपने असली नाम को ही अपनी पहचान बनाना सही समझा। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि बचपन में सपना चौधरी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और इसीलिए वह पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। लेकिन फिर किसी कारण उन्हें अपना लक्ष्य बदलना पड़ा और कलाकारी में उतरना पड़ा, लेकिन यहां भी उन्होंने बाखूबी ही नाम कमाया। सपना के घर में एक छोटा भाई और बड़ी बहन और एक माँ है। उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन सपना ने अभी तक शादी नहीं करवाई। सपना ने का जो कारण बताया उसे सुनकर आप भी एकदम हैरान हो जाएंगी। जी हाँ, सपना का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसे वह अपना जीवन साथी मान सके। इसके अलावा सपना ने कहा कि उनके बहुत सारे दोस्तों ने काफी समय से शादी कर ली है और उनमें से बहुत सारों की शादियां टूट भी गई हैं। उनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ रिश्ता नहीं निभा सकते तो उस रिश्ते को शुरू भी नहीं करना चाहिए। सपना ने बताया कि उन्हें शुरू से सीरियल्स काफी पसंद है और स्कूल में भी वे अपनी सहेलियों के साथ सीरियल्स की ही बातें किया करती थी, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी अच्छे सीरियल में काम नहीं मिल सका है। सपना का कहना है कि वह अभिनय करना पसंद करती हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वह जल्द किसी अच्छे सीरियल में नजर आएं। गौरतलब है कि रियलिटी शो बिग बॉस के बाद सपना चौधरी को कई सीरियल्स में काम का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने कोई भी रोल पसंद नहीं किया। इसके अलावा सपना का कहना है कि वह अपनी जिंदगी में जिस लड़की को चाहती थी वह उन्हें नहीं मिला और जिन्होंने उन्हें चाहा वह उनकी तरफ नहीं गई। इंटरव्यू में सपना की आंखों में साफ देखा जा सकता था कि उन्हें अपनी जिंदगी के प्रति कोई मलाल तो जरूर है। तो दोस्तों, आपके सपना के इन राज के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।